हाय माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, तो आज मैंने ये शाही पनीर की रेसिपी बनाई है, उसको मैंने बना के तैयार किया है और मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने कैसे बनाया है। दोस्तों, तो ये देखिए, मैं आपको एकदम कैमरे में आके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये एकदम यमी शाही पनीर है। ये देखिए, एकदम एक एक पीस, और ये देखिए कितना टेस्टी बनकर ये तैयार हुआ है पनीर। तो इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और कमेंट करना भी नहीं भूलना दोस्तों। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जारी कर लीजिए, ताकि मैं जो नए नए वीडियो लेके आती हूँ ना, उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से पहुंच जाए दोस्तों। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने पनीर लिया है, मेरा 250 ग्राम पनीर है, और मैंने प्याज और ये लहसुन छोटे छोटे काट लिए हैं। अब इनको हम पीस लेंगे। ये मैंने खोया लिया है, इनको मिक्सी जार में डालकर मैं इसका थोड़ा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। मैंने मिर्ची, लहसुन ये सारे डाल दिए हैं, और टमाटर भी मैंने काट के डाल दिया। तो ये देखिए, मैंने पेस्ट इसका रेडी कर दिया। तो अब कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस के ऊपर और डाल देंगे तेल इसमें। तो मैंने 3 बड़े चम्मच भर कर इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है तो इसमें हमने जीरा 1 चम्मच डाल दिया है। अब मैंने 1 बड़ा प्याज काट के छोटा छोटा, उसको भी इसमें हमने डाल दिया। इसको हम पकाएंगे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक। तो ये मैं पनीर के पीस मैं नहीं काट रही, ये मेरी बेटी है छोटी, वो काट रही है पीस। उसको पनीर के पीस काटने का बहुत शौक है ना, तो वो जब भी कभी पनीर आता है तो घर में वही पनीर के पीस काटती है। ये देखिए, वो काट रही है पनीर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल दबाना बिल्कुल ना भूलिए, इस जल्दी से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो ये मेरे पीस कट गए हैं, उधर मेरा प्याज भी पक गया। अब ये हम जो पीस के रखे थे ना प्याज और टमाटर, उसको भी इसको इसी में डालकर इसको वो कर लेंगे, पकाएंगे। तो अब इसी में, उसी कटोरे में मैं मसाले इकट्ठे कर रही हूँ। तो ये मैंने हल्दी डाल दी है, ये मेरा तीखा मिर्ची है ना, इसलिए मैंने थोड़ा ही मिर्ची डाला है। और ये वो कलर वाली आती है ना जो मिर्ची, उसको मैंने डाला है 2 चम्मच भर कर, इससे बढ़िया पनीर में कलर आएगा। और ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, ये मैंने गर्म मसाला पाउडर डाला है, और ये मैंने डाला है पनीर, शाही पनीर का मसाला मैंने भरकर 2 चम्मच डाल दिए हैं। अब दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा और मेरे पास एक मसाला पड़ा था उसका, पनीर का ही, वो उसको भी मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है। अब थोड़ा पानी डालकर सारे मसाले थोड़ा मिक्स करके रख देंगे 2 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से फूल जाते हैं। और हमारा इधर ये प्याज और लहसुन, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसको हम इसमें सारे मसाले डालकर धीरे धीरे भूंज लेंगे। और ये दोस्तों, मैंने खोया डाल दिया है, मैंने खोया भी लिया था ना, तो ये शाही पनीर बना रही हूँ तो मैंने इसमें 100 ग्राम के लगभग खोया डालकर, ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको, जितनी भी गाढ़ी आपको इसकी प्योरी चाहिए उतना आप इसको रख सकते हैं। तो मैंने देखिए डाल दिया। अब मेरी बेटी ही डाल रही है इसमें पनीर, जो काट के रखे थे ना उसको ये डाल रही है पनीर। और ये देखिए, मेरी पनीर बनकर रेडी हो गई, बहुत जल्दी झटपट ये शाही पनीर बनकर तैयार होती है। तो मैंने गैस बंद कर दिया। अब देखिए, मैं आपको इसको सर्व करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी यमी दिख रही है, कितनी टेस्टी है पनीर, शाही पनीर वैसे भी तो खाने में कितनी अच्छी लगती है। और ये देखिए तैयार भी हो गई दोस्तों। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और कैसा मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलूँगी मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।